नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, दिन है आज का 12 अप्रैल 2023 का। तो दोपहर तक की जो आज की गेट की रिपोर्ट है लहसुन और गेहूं दोनों की स्थिति की, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ये दोपहर तक की स्थिति के माध्यम से आपको मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूं दोस्तों, कि दोपहर में कितने मान अभी गेट पर हमें देखने को मिले लहसुन और गेहूं और अन्य सभी जिनसों के अंतर्गत। तो दोस्तों, मंडी में आज के जो गेट की स्थिति है, किसी भी प्रकार की कोई वाहनों को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है। ये मैंने आपको सुबह ही अपडेट दी थी, लेकिन अब की स्थिति जो जानकारी अगर आपको बताऊं तो लहसुन के अंतर्गत की जो स्थिति है, सबसे पहले जानकारी जान लीजिएगा कि लहसुन में 20-25 वाहन हमें गेट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मंडी के अंदर की जो स्थिति है तो लगभग मुझे यह अंदाज है कि मंडी के अंदर लगभग सारा माल बिकना आज संभव है। दोस्तों, कुछ माल मंडी में भी लहसुन बिकना बाकी शेष रह सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों मंडी के गेहूं की स्थिति की। तो मंडी में गेहूं कल भी कुछ वंचित रहा था और आज भी ऐसी संभावना है कि वंचित रह सकता है कुछ भी गेहूं, लेकिन ये अनुमानित रिपोर्ट है दोस्तों मेरी। अब बात करते हैं दोस्तों मंडी के गेट की क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है गेहूं के अंतर्गत। तो दोस्तों, मंडी प्रशासन ने गेहूं के अंतर्गत अन्य सभी जिनसों को भी बाहरी रोक दिया गया है, यानी कि गेहूं के अलावा अन्य सभी जिनसे जो है सोयाबीन के अलावा और भी जो जिनसे उन सभी को मंडी के गेट पर प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो लगभग वाहनों की जो कतार है काफी लंबी हमें देखने को मिली है दोस्तों आज की। 100 या 100 से ज्यादा वाहनों की कतार आज मंडी के आगे वाले गेट पर गेहूं और अन्य सभी जिनसों के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही है। कुछ स्थिति अगर आपको मैं प्रदान करूं दोस्तों, तो ये आप देखेंगे जहां तक की आपकी नजर जाएगी हमें गेट पर वाहनों की कतारें देखने को मिली है, जो कि आपको मैं जानकारी प्रदान करूं इस प्रकार से है। काफी दूर तक लाइन है और लगभग 100 या 100 से ज्यादा वाहन है। अब दोस्तों, मैं आपको जानकारी प्रदान करूं कि ये मेरी खुद की जानकारी ली गई जानकारी अगर दोस्तों आपको बता रहा हूं, प्रशासन ने अभी इस प्रकार की जानकारी को कंफर्म नहीं की है। मेरी जानकारी ये दोस्तों कि मंडी शायद कल ही लास्ट चलेगी, इसके बाद में 14 अप्रैल 2023 को मंडी का अवकाश रहेगा, शायद ऐसी संभावना है जो शुक्रवार के दिन मंडी का अवकाश रह सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक मंडी प्रशासन ने ऐसी कोई सूचना हमें कंफर्म प्रदान नहीं की है, लेकिन मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती है, जिससे कि मंडी का अवकाश रह सकता है शुक्रवार के दिन 14 अप्रैल 2023 को। यानी कि दोस्तों, कल शायद इस प्रकार की जो सूचना मैं आपको प्रदान कर रहा हूं ये कल कंफर्म होगी, तो कल आपको मैं जानकारी कंफर्म करूंगा। लेकिन अभी तक की स्थिति में इस प्रकार की सूचना है कि मंडी शायद शुक्रवार के दिन अवकाश हो सकता है। दोस्तों, अभी प्रशासन ने कंफर्म नहीं किया है दोस्तों, लेकिन मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। इस वीडियो को देखकर ही आप अपना निर्णय मंडी से आने या न आने का निर्णय लीजिएगा। दोस्तों, वाहनों की लगातार आवक हमें देखने को मिली है, लगातार वाहनों की गति हमें देखने को मिल रही है, मंडी की ओर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि मेरे पीछे और भी कतार है दोस्तों, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। 100 या 100 से ज्यादा वाहनों की कतार आज मंडी जो हमें देखने को मिली है गेहूं और अन्य सभी जिनसों में, बाकी लहसुन में तो कम ही वाहन है, लेकिन मंडी के अंदर कुछ कारणवश इस प्रकार की लहसुन सारी बिक नहीं पा रही। मेरी यह जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे वाले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए।